दोस्तों, कई सारे कंपटीशन में जो आजकल मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं उनमें Realme का भी नाम आता है। अभी Realme ने पिछले, आप नहीं मानोगे, 3-4 महीने में कुछ 8 मोबाइल फ़ोन्स अपने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें कुछ तो अच्छा काम कर गए और कुछ को देख के ऐसा लगा कि उन्होंने रीब्रांडिंग की है। यानी मतलब सेम ही फ़ोन्स हैं, तो उन्होंने 2-3 बार लॉन्च किए, थोड़े बहुत इधर उधर स्पेसिफिकेशन को अप करके। तो इस बार जो उन्होंने फ़ोन लॉन्च किया है वो है Realme 8 Pro। अभी Realme 8 Pro जो है वो अगर देखा जाए तो एक ऐसे टाइम पे लॉन्च होता, अपने स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता रहा हूँ, अगर एक ऐसे टाइम पे लॉन्च होता जब उसके कंपटीशन में कोई नहीं था तो काफ़ी अच्छा फ़ोन था। लेकिन इन्होंने जो फ़ोन लॉन्च किया वो कुछ ऐसे फ़ोन्स के लॉन्च होने के बाद किया कि इनको ताकि काफ़ी तगड़ा कंपटीशन मिला। अभी इस फ़ोन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसमें दो वेरियंट है, एक में दोनों में ही मेमोरी सेम ही है, 128 GB है, लेकिन एक जो है वो 6 GB रैम के साथ आता है और एक जो है वो 8 GB रैम के साथ आता है। जो 6 GB x 128 GB है उसकी कीमत है 17,999 और जो 8 GB x 128 GB वाला वेरिएंट है उसकी कीमत है 19,999। जो कलर्स इनमें आपको मिलेंगे वो है इन्फिनाइट ब्लू, इन्फिनाइट ब्लैक और इल्यूमिनेटरी येलो। अब ये जो इल्यूमिनेटरी येलो है ये मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये कुछ अलग तरह का इन्होंने बनाया है, इल्यूमिनेशन यानी कि चमकना। तो ये किस तरह का इन्होंने कलर थीम लॉन्च किया वो मैं बताता हूँ। अभी जो इसमें प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, ऑक्टा कोर बेस्ड सीपीयू है ये और जीपीयू एड्रीनो 618 इसका ग्राफिक कार्ड है। 5th जनरेशन क्वालकॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन पे, यानी कि AI इंजन पे चलता है। इसमें जो ऑडियो है वो हाई रिजोल्यूशन ऑडियो है और 3.5 mm ऑडियो जैक है, जो कि आजकल के किसी भी फ़ोन में एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है, जो कि सभी में मिलता नहीं है, ये आप जानते हो। स्टोरेज में जो रैम का इस्तेमाल किया गया है, जो दोनों ही 6 GB वेरिएंट है और 8 GB वेरिएंट है, उसमें LPDDR4 रैम का इस्तेमाल किया गया है और जो स्टोरेज है वो है UFS 2.1। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो है इसका डिस्प्ले, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। अब जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, पहले मैं वो बता देता हूँ, वो है 90.8% और 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 409 PPI और 1000 निट्स तक की मैक्सिमम ब्राइटनेस पे ये पहुंच सकता है। जो डिस्प्ले है वो ना तो 90 हर्ट्स है और ना ही 120 हर्ट्स है, वो 60 हर्ट्स है, नॉर्मल है। जबकि जो जिस रेट पे ये आए, जो मैंने आपको बताया 18,000 और 20,000, इसके कंपटीशन में रिफ्रेश रेट्स अच्छे हैं, वैसे फ़ोन्स भी हैं और इसके कंपटीशन में भी जो फ़ोन है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। जो कैमरा है इस फ़ोन का, अभी इन्होंने कैमरे में थोड़ा सा एनहांसमेंट दिया हुआ है। कैमरे की बात करें तो इसमें इन्होंने मेन कैमरा जो है वो है 108 मेगापिक्सल, यानी 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। अभी जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें इन्होंने जो सेंसर यूज़ किया है वो है सैमसंग का HM2 सेंसर यूज़ किया गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जिसका फील्ड ऑफ व्यू है 119 डिग्री का और दो कैमरे हैं, एक है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड वाइट लेंस। मैक्रो जो 2 मेगापिक्सल का है वो ठीक है, मतलब मैक्रो मैं नहीं मानता कि मैक्रो का कोई इस्तेमाल करता होगा, या जिन लोगों को मैक्रो फोटोग्राफी पसंद है उसके लिए और भी लेंस को थोड़ा इनको इम्प्रूव करना चाहिए अगर ये मैक्रो फोटोग्राफी पे ध्यान देना चाहते हैं, अदरवाइज़ वो जो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है उसका कोई मतलब नहीं बनता। अभी इसके कैमरे में जो इन्होंने एक टिल्ट शिफ्ट करके एक फीचर दिया है जो कि DSLR लेवल का है। एक्चुअली ये जो टिल्ट शिफ्ट है ये DSLR लेवल के कैमरे पे ही यूज़ होता है। अब टिल्ट शिफ्ट की जो इमेजेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख लेना। फ्रंट कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल का है, उसमें सोनी IMX471 सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये 1080x30 फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्डिंग कर सकता है, यानी फुल HD पे कर सकता है और 1080x120 फ्रेम पर सेकंड पे स्लो मोशन में रिकॉर्डिंग करता है। तो ये तो रही इसकी वीडियोज़ की बात और ये रही इसकी स्टोरेज की बात। अभी तक तो ठीक चल रहा है, अच्छा फ़ोन है ऐसा हमको लगता है। अभी देखते हैं कि आगे इसके बारे में और क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, इसकी बाकी फ़ीचर्स के। जो चार्जिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ की है इस बार इन लोगों ने, इसमें जो चार्जर दिया है वो तो 65 वॉट का है, लेकिन जो चार्जिंग ये सपोर्ट करता है वो 50 वॉट का है। अभी इन्होंने ऐसा क्यों किया पता नहीं, पर अच्छी बात है, कई फ़ोन्स तो चार्जर ही दे रहे
और ये चार्जर दे रहे हैं वो भी जितना ये सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा पावर का, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। आप वो चार्जर को कहीं और भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपका कोई डिवाइस या लैपटॉप 60 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो वो चार्जर आपके काम आएगा। 4500 mAh की बैटरी है और USB टाइप सी, जो कि आजकल एक नॉर्मल बनते जा रहा है किसी भी फ़ोन में, USB टाइप सी है। और प्लास्टिक की बिल्ड है, फिनिश इतना प्रीमियम नहीं है, काफ़ी प्लास्टिक ही लगता है। जितना पैसा दे रहे हो आपको वो हैंड फील जो आपके हैंड में वो वैसा नज़र नहीं आएगा, मतलब ठीक है, इतना अबव एवरेज है बट वन ऑफ द बेस्ट नहीं है और दी बेस्ट नहीं है। जो सिम है वो दो नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड सपोर्ट कर सकता है, यानी दो सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। और ब्लूटूथ 5.0 पे आता है। सेंसर जो है इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, सुपर एमोलेड है इसलिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। फास्ट है, एक्यूरेट है, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर, जायरोस्कोप सब कुछ है। एंड्रॉयड वर्जन 11 पे चलता है और रियलमी का खुद का यूज़र इंटरफेस है जिसे रियलमी UI 2.0 कहा जाता है, उस पर चलता है। जो बॉक्स के अंदर आपको कंटेंट मिलने वाला है वो है टाइप सी केबल, एक केस मिलेगा ट्रांसपेरेंट, 65 वॉट का चार्जर मिलेगा, ऑब्वियसली डिवाइस तो मिलेगा ही मिलेगा। हेडफोन्स क्यों नहीं देते पता नहीं, हेडफोन्स भी देना चाहिए, खैर कोई बात नहीं। तो वर्डिक्ट मैं आपको देता हूँ, देखो अभी मार्केट में कंपटीशन बहुत तगड़ा चल रहा है, अभी इस कंपटीशन में आपके पास जो फ़ोन्स हैं यानी 18 से 20 वाले में, इसमें एक तो सबसे भयंकर कॉम्पिटिटर है इसका नोट 10 प्रो मैक्स रेडमी का। अब उसमें जो फीचर्स है जैसे कि डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, उसमें रिफ्रेश रेट्स को लेके जो भी है, प्राइसिंग और बिल्ड क्वालिटी, एवरीथिंग, ग्लास और मतलब हर तरह से वो इसे बीट करता है, यानी हर तरह से इसको टक्कर देता है। तो मैंने जैसा आपको बताया है कि एक ऐसे टाइम पे लॉन्च हुआ जब इसके कंपटीशन में काफ़ी कुछ है। अभी इसके कंपटीशन में अगर आप देखा जाए तो वन प्लस नॉट भी इसके कंपटीशन में है, हालांकि वो 25,000 तक का मिलता है, पर फिर भी देखा जाए तो इसके कंपटीशन में, और वो वन प्लस है, उनका खुद का ऑक्सीजन ओएस है, तो काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिटर है। अभी ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है उस पर डिपेंड है कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप एक बार आपके किसी नियरेस्ट शॉप में जाओ, आप इन फ़ोन्स को एक्सप्लोर करो, नोट 10 प्रो मैक्स की सीरीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर करो, इस फ़ोन को एक्सप्लोर करो और इस कंपटीशन में और इस रेट में यानी कि 20,000 के अंदर के रेट में काफ़ी सारे फ़ोन्स हैं उनको एक्सप्लोर करो, और उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कि आपको ये लेना है कि नहीं। गेम्स चला लेगा, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ कर लेगा, रियलमी UI का जो यूज़र इंटरफेस है उसका ऑप्टिमाइजेशन भी ठीक ठीक होता है वो भी कर लेगा। कैमरा इन्होंने थोड़ा एनहांस किया है, ऐसा ज़बरदस्त कैमरा नहीं है हाँ, लेकिन कैमरे में एनहांसमेंट है थोड़ी बहुत, वो अच्छा है, बाकी कंसिडरेबल है। लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप एक बार देख लेना कहीं ऑफलाइन मार्केट में जाके, इस फ़ोन को इन हैंड फीलिंग लेके देखो, कैमरा शूट करके देखो, और फिर आप डिसाइड करो कि आपको ये फ़ोन लेना है कि नहीं। पर अभी जस्ट 2021 का शुरुआत है, तो मेरा मानना है कि अभी वेट करो, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। रियलमी खुद भी बहुत सारे अपने फ़ोन्स लेके आएगा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, रियलमी इसके फ़ोन वैसे अच्छे ही होते हैं आपको मालूम ही है, और भी कंपटीशन बहुत सारी है, तो वेट करिए। और आपका बजट अगर इतना है भी तो भी एक बार मार्केट में जाइए और एक्सप्लोर करिए। तो रियलमी के इस डिवाइस के साथ आज मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, और मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको अगर कुछ जानना है किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए, मैं अपनी तरफ से उसका आंसर दूंगा। और मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।